हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ हो। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन नाउंस के और दो टाइप्स होते हैं। तो वो कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो चीज़ें, जो नाउंस, जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउंस। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउंस। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हेयर है। हेयर यानी बाल। तो बालों को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। और इसीलिए वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। स्काई, स्काई जो वर्ड है, स्काई, एक स्काई, दो स्काईज, ऐसे हम बोलते हैं क्या कभी? नहीं, स्काई एक ही होता है और उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे ऐसे हम उसको 1, 2, 3 ऐसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद वाटर, पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे बोलते हैं क्या हम? नहीं। तो इसलिए पानी जो है यानी वाटर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल क्या है? जैसे पेन है, पेंसिल है, बॉल है, कंट्री, कंट्री को भी हम काउंट करते हैं ना, एक दो, एक कंट्री, दो कंट्री, ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, गेम, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे कुछ एग्जांपल्स, वो वॉच, गेम, उसके बाद बॉल, पेन, कंट्री, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये काउंटेबल है। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।